मैं माया सांखला एस एम बी एड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी माइक्रो टीचिंग की बी एड पार्ट फर्स्ट से क्लास चल रही है। इसमें हमारा टॉपिक जो माइक्रो टीचिंग है उसके बारे में आज हम लोग जो कौशल हैं स्किल्स जो हैं आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्किल क्या होते हैं, जो एक्चुअल में जो छात्र अध्यापक जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रैक्टिकल के दौरान, वो माइक्रो टीचिंग में ना इन कौशल जो पढ़ाते हैं इन कौशलों का ही प्रैक्टिस करते हैं, उनमें ही उनको परफेक्ट बनाया जाता है कि एक दिन में एक कौशल को लिया जाता है और उसमें वो कैसे परफेक्ट हो जाएं, इसी की बार बार उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसमें हम लोग कौशल के बारे में जानने से पहले पहले ये जानेंगे कौशल होता क्या है। कौशल एक्शन क्या होता है, ये कौशल एक प्रक्रिया, शिक्षण कौशल एक प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जिसको शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसको सरल बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है, प्रभावशाली या रुचिकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो कौशल होता है वो अंग्रेजी का स्किल्स एक वर्ड है उसका ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ अच्छा करना योग्य, कुछ करने की योग्यता। यानी हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ अपना प्रभावशाली या अपना सुगम सरल तरीके से कुछ अच्छा करके दिखाएं, यही ये कौशल होता है। सूक्ष्म शिक्षण में बहुत सारे कौशल हैं, जैसे हम पढ़ेंगे आगे की प्रस्तावना कौशल है, खोजपूर्ण कौशल है, व्याख्यान कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, खोजपूर्ण कौशल है और पाठ समापन कौशल है। ऐसे बहुत सारे कौशल है जिनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। वैसे वास्तव में जब बी एड के दौरान हम लोगों को केवल 5 या 6 कौशल का ही अभ्यास करवाया जाता है, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला कौशल जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना, नाम से पता चल रहा है कि प्रस्तावना यानी सबसे पहले जो आती भूमिका जो तैयार की जाती है कक्षा में जाने से पहले वो होती है प्रस्तावना। इसको विन्यास कौशल, प्रस्तावना कौशल भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल्स ये भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जब आप लोग कक्षा में जब कोई टॉपिक लेके जाते हैं विद्यार्थी शिक्षा जो छात्र अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है उनको टॉपिक को, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चों को उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए तैयार करना, यानी जो जिस चीज़ को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं विद्यार्थी शिक्षा जो टीचर है जिस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाएगा उस यानी पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। प्रस्तावना कौशल का मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो पढ़ाना है उस ज्ञान से जो पहले का पूर्व ज्ञान जो बच्चों का है उससे उनको जोड़ना। यानी कक्षा में जाती ऐसे नहीं होता है कि टीचर तुरंत जाती फटाफट अपना टॉपिक निकाला और उनको पढ़ाना के लिए स्टार्ट कर दिया, बल्कि उनका मुख्य काम यह होना चाहिए कि पहले ये जाने कि बच्चों का पहले से जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसका पूर्व ज्ञान क्या है, यानी उसके बारे में उनको पहले से कितनी जानकारी है, उस जानकारी को नवीन ज्ञान के साथ जो नव ज्ञान देना है उस ज्ञान के साथ जोड़ना, यही होती है प्रस्तावना कौशल। यानी पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना और उसके बाद में उसको आगे की ओर कंटिन्यू करना। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जिससे इससे पता चलता है कि बच्चों में कितनी रुचि है, बच्चों की रुचि पैदा करना, यानी पाठ जो पढ़ाएंगे उनके लिए उनके प्रति उसमें रुचि पैदा करना, उनको सजग करना यानी तैयार करना, नए टॉपिक को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही प्रस्तावना कौशल होता है। प्रस्तावना कौशल में बच्चे विद्यार्थी सजग रहे इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए प्रस्तावना कौशल में जो प्रस्तावना के जो प्रश्न बनते हैं या प्रस्तावना की जो तैयार की जाती है इसके लिए मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना जरूरी है। जैसे कि जो हम प्रस्तावना जिस चीज़ की बना रहे हैं, यानी प्रस्तावना एक तो प्रश्नोत्तरी द्वारा बनाई जा सकती है, बच्चों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस टॉपिक से हम लोग बना रहे हैं उनका पूर्व ज्ञान से हम लोग उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, या कहानी द्वारा उस जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित कोई कहानी जिससे वो पुराने ज्ञान को उनसे उनका पता चल जाए, यानी बच्चा किस मतलब कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है इसकी जानकारी टीचर को होनी चाहिए, इसका इस ये भी प्रस्तावना में आता है। नेक्स्ट है बच्चों की रुचि बनी रहती है, अगर बच्चों को कहानी के द्वारा या फिर कोई डायग्राम दिखाकर या कोई चित्र बनाकर उनको नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर नया टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, यानी नए टॉपिक को पढ़ाने के लिए तैयार करना ही प्रस्तावना कौशल होता है। इसमें ना मुख्य है जो टीचर्स जो होता है उसका ही मेन रोल होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को तैयार करता है नए ज्ञान को लेने के लिए, ये होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में तत्व जो तारतम्यता होती है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए, और जो प्रश्नों का जो रूप है वो सरल और सटीक भाषा में होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट ले लिए, उनका जो लेवल होता है वो मीडियम लेवल होना चाहिए, बच्चों को समझ में आने वाला होना चाहिए, यह है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रश्न कौशल, कि प्रश्न कौशल क्या होता है।
जैसे एक प्रस्तावना कौशल होगी, प्रस्तावना में तो केवल जिस टॉपिक को स्टार्ट करना है उसका पूर्व ज्ञान हमें लिया जाता है। प्रश्न कौशल यानी प्रश्न जो प्रश्न उत्तर के द्वारा प्रश्न पूछना एक कला है। जैसे कि जाते जब जो विद्यार्थी और जो शिक्षक जो होता है उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम एक प्रश्न ही कर सकता है। प्रश्नों के द्वारा ही वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनका जो एक कला के रूप में जैसे एक तकनीकी कह सकते हैं, एक शिक्षक की एक तकनीकी होती है कि प्रश्नों को कैसे पूछे, लेकिन प्रश्नों को प्रश्न उत्तर के द्वारा किसी पाठ को पढ़ाना ये एक कला है कि इस कला को कैसे, ये कौशल है, कला या कौशल कह सकते हैं हम लोग, कला या कौशल है कि इसके द्वारा कैसे पाठ को पढ़ाया जाए। इसमें प्रश्नों का जो रूप होता है वो बहुत ही सरल रखना चाहिए। एक ना हुए थे सुकरात का नाम सुना होगा आपने, उनके प्रश्न उन्होंने भी इसी विधि को अपनाया था, प्रश्नोत्तरी विधि उन्हीं की है सुकरात की। उन्होंने ही प्रश्नों के द्वारा जो विषय वस्तु है उसको व्यवस्थित करना बताया था कि ना जो पूर्व में जो पारंपरिक जो ज्ञान था वो प्रश्नोत्तरी द्वारा ही होता था। प्रश्न पूछते थे गुरु, शिष्य उनका उत्तर देते, उसके द्वारा ही पूरा पाठ्यक्रम चलता था। तो यही विधि यहाँ पर अपना सूक्ष्म शिक्षण में प्रश्नोत्तरी विधि इसी से आई है कि प्रश्नों के द्वारा कैसे पाठ को आगे की ओर पढ़ा जा सकता है। प्रश्नोत्तर द्वारा ये ना विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के करीब रहते हैं। विद्यार्थी बीच बीच में जो व्याख्यान विधि द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं, लेकिन जब उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है तो वो सजग होकर सुनते हैं। यानी प्रश्न उत्तर जो प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों में सजग रहने की क्षमता का विकास करते हैं, विद्यार्थी से सजग रहते हैं। बीच बीच में जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होता है कि शिक्षक पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो कितना उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है उसका मूल्यांकन कर सकता है वो। इसके अलावा प्रश्नों के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि पाठ में जो एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि प्रस्तावना के टाइम में प्रश्न पूछा जाए, कभी कभी तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो स्मृति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कि उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो उन्होंने बहुत समय पहले कुछ है ना पूर्व ज्ञान में कुछ किया होगा पूर्व समय में, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पूर्व ज्ञान भी उनसे पता चल जाता है। कभी कभी कोई समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कारण हुआ, प्रभाव हुआ, का क्या कारण है, क्या प्रभाव है, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ समस्यात्मक प्रश्न हुआ जिसका वो विस्तृत रूप में उत्तर देंगे। कभी वो विचारात्मक प्रश्न भी होते हैं, विचार पैदा करने वाले, जिसका जो शिक्षक ने जो पढ़ाया है उस पर विचार करें, डायरेक्ट उत्तर न देकर उस पर विचार करेंगे वो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे, क्या कारण था कि जैसे इसका ऐसा हुआ था, ये विचारात्मक हुए। समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं अंत में। ये है प्रश्नों के अलग अलग रूप होते हैं जिससे जो प्रश्न की प्रश्न उत्तर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चलती रहती है। प्रश्न उत्तर के द्वारा ही शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों के लेवल को पहचान पाता है कि विद्यार्थी का लेवल कहाँ पर है। प्रश्नों की रचना करते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है, उसी की रुचि के अनुसार उन्हें चाहिए, उन्हीं के जो शब्द जो होते हैं, शब्द का भाषा जो होती है उनका सुगम सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूरे पाठ के दौरान प्रश्न उत्तर विधि प्रश्न कौशल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न कौशल और प्रस्तावना कौशल जो थोड़ा समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे के कौशल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।